दर्शकों नमस्कार। इस समय में इन विषय के पास एक ऐसी सनसनी सी खबर आई हुई है जिसको पल पल की जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता उस जगह पे जा चुकी है। हम आपको बता दें कि अजरी के थाना अंतर्गत आने वाले ओंकार नगर के पास अभय नगर आता है और अभय नगर में ही एक घटना हुई है जहां पे 25 से 30 साल की उम्र की इस लड़की की अस्मत लूटकर उसकी हत्या की गई है, ऐसी खबर है। और इस खबर की पूरी जानकारी लेने के लिए हम चलते हैं हमारे संवाददाता की ओर। हमारे संवाददाता रत्नाकर जी मुइक इस समय में वहां पर मौजूद है। रत्नाकर जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही आ रही संजय जी। रत्नाकर जी, ये पता है कि किस तरह की ये घटना थी, जिस प्रकार से वो बच्ची की अस्मत लूटी गई और उसके ऊपर में जो एक हत्या की गई, इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? ये कितने बजे की घटना है? जी मैं आपको बताना जी, ये लगभग 6 बजे की बात है। 6 बजे यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर एक घर का कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। अभय नगर अजनी पुलिस स्टेशन थाना के अंतर्गत का ये एरिया है। यहाँ पर एक ठेकेदार उस घर में जहाँ कंस्ट्रक्शन चालू है वहां पर कुछ सीमेंट की बोरियां जब रखने गया तो वहां पर उसे एक 25 से 30 उम्र के दौरान की युवती की वहां पर लाश पड़ी मिली हुई। जैसे ये लाश उसको मिली, उसने बाहर आने के बाद में 100 नंबर पर कॉल किया, पुलिस को इत्तला किया। अब ये अंदेशा उसके बाद में जो सारी कार्रवाई पुलिस की पुलिस ने उस बॉडी को करने के बाद आवाज में थोड़ा तकनीकी प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा आवाज को सही कर ले। रत्नाकर जी आवाज को थोड़ा सही कर ले ताकि स्पष्ट रूप से ये आवाज हमें यहां तक सुनाई देगी। रत्नाकर जी, हाँ अब आवाज आ रही है, अब आप पूरी जानकारी दीजिएगा सिलसिलेवार, क्या हुआ था, कितने बजे की ये घटना है और क्या कहना चाहोगे? जी संजय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, फिर से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 6 बजे मेरे पीछे में यहाँ पर अभी फिलहाल अंधेरा, इसलिए शायद आपको ये सही तरीके से दिखाई नहीं दे पाए, लेकिन ये पूरा एरिया जो है या पूरी घनी बस्ती है, इस घनी बस्ती में ये दो चार घरों के पीछे में यहाँ पर जो है घर का काम चालू था उस और जगह पे जरा कटीली झाड़ियां उस घर में, जब वहां पर वो ठेकेदार आया सीमेंट के बोरियां रखने के लिए तो वहां पर उसे उस घर में जो है एक लड़की की लाश पाई मिली है। वो लड़की की उम्र लगभग 25 से 30 उम्र बताई जा रही है। उसके बाद उन्होंने वहां पर 100 नंबर डायल करने के बाद में पुलिस को इत्तला किया। ये अजनी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाला एरिया है, अभय नगर जो है। उसके बाद में पुलिस आई, पुलिस ने उस बॉडी को वहां पर बरामद किया। अपनी वो प्राथमिक कार्रवाई के बाद उस लड़की के जो प्राथमिक जांच है उससे ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस लड़की के ऊपर में बलात्कार की संभावना व्यक्त की गई और उसके बाद में उस बॉडी को जो है मेडिकल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया। स्पॉट का पंचनामा यहां पर पुलिस ने ऑलरेडी कर लिया है। संजय रत्नाकर जी, जिस प्रकार से आज आप उस घटनास्थल पे वहां पे मौजूद हो, क्या कहना चाहोगे? परिसर के लोगों में क्या बातचीत चल रही है, क्या किस प्रकार का माहौल है उस परिसर में? जी संजय, यहाँ पर जो है घनी बस्ती है, बहुत अच्छी एक सिविल लाइन टाइप की कॉलोनी है जहाँ पर संभ्रांत परिवार यहाँ पर आजू बाजू में रहते हैं। और हम आपको बता दें कि यहाँ पर इस वक्त कोई ऐसे हलचल नजर नहीं आ रही, सब परिवार सारे जो घर हैं अपने आप में सोए पड़े, मतलब यहाँ पे ऐसी कुछ घटना हुई है ऐसा कोई अंदेशा भी यहाँ पर जो है हमें ध्यान में नहीं आ रहा है। सारे लोग जो है इस घटना से अलिप्त है ऐसा यहाँ पर लग रहा है, कोई भी किसी तरह का जमघट नहीं है, किसी भी प्रकार की हलचल जो है यहाँ पर बस्ती में नजर नहीं आ रही। हालांकि ये घटना काफी दुखद है और ये एक सनसनीखेज मामला, यहाँ पर इतना बड़ा हादसा यहाँ पर हो चुका है कि घनी बस्ती के बीच 4 घरों के पीछे में यहाँ पर एक घर है, इस घर के अंदर में एक लड़की की सरेआम दिन दहाड़े जो है हत्या हुई है और बलात्कार की संभावना भी बनी हुई है। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी यहाँ पर नहीं हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही इस पर जो है वो सही तरह से रोशनी पड़ेगी कि क्या ये उस लड़के के साथ में बलात्कार हुआ या नहीं हुआ। संजय, बच्ची के जो रिश्तेदार है या उसके जो माता पिता, क्या उनसे आपकी बात हो चुकी है इस संदर्भ में? अभी तक संजय उस लड़की की शिनाख्त अब इस वक्त तक अभी तक नहीं हो पाई है, इसलिए इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता।
और जैसे आपको कुछ और भी अपडेट्स मिलते हैं, हाँ, आप हमसे जुड़े रहिएगा। तो दर्शकों, आपने देखा कि हमारे संवाददाता रत्नाकर मलिक वहां पे मौजूद है और उन्होंने पल पल की जानकारी देते हुए ये बताया कि ये जो घटना है शाम 6 और 7 के दरमियान ये घटना हुई है, जहां पे 25 से 30 के उम्र के एक ऐसी लड़की की अस्मत लूटी गई और उसके बाद उसकी हत्या की गई। ये खबर एक ठेकेदार को मिलते ही, ठेकेदार को जब सीमेंट की बोरियां जब वो बिल्डिंग में रखने के लिए, वो लड़की की अस्मत लूटी है, ये सिर्फ एक संभावना है इस वक्त, इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि जो प्राइमा फेसी जो इस वक्त जो एक संभावना जो है लड़की की लाश देखने के बाद में, ये सिर्फ संभावना है इस वक्त, इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। जो पुलिस सूत्रों से बात हुई है उसके अनुसार, जो प्राथमिक रिपोर्ट है उसके अनुसार, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही इस लड़की के साथ में बलात्कार हुआ या नहीं हुआ है इसकी पुष्टि हो पाएगी। किसी पुलिसकर्मी के साथ या पुलिस प्रशासन के साथ इस संदर्भ में बातचीत हो गई आपकी? जी, जो उनके हवाले से जो है हम बात कर रहे हैं कि अभी तक उन्होंने कहा है कि जो बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में ही इस बात की पुष्टि हो पाएगी कि उस लड़की के साथ में ऐसी कोई वारदात हुई है या नहीं है। हालांकि जो जिस हालात में वो पाई गई है, संभावना जरूर जो है एक जो जो क्राइम सीन के ऊपर में जो है संभावना ऐसी व्यतीत हो रही है। संजय, बिल्कुल। तो हमारे संवाददाता रत्नाकर मलिक, इन्होंने ये बताया है कि अभी भी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है, जिसके चलते ये कहना बराबर नहीं होगा कि उस लड़की की अस्मत लूटी है या नहीं, ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि अजनी के पुलिस को पता चलती है, अजनी पुलिस ने उस शव को मेडिकल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और अगली कार्रवाई होना अभी भी बाकी है। पुलिस इस दिशा में तफ्तीश कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद रत्नाकर, आपने हमको पल पल की जानकारी हमारे तमाम दर्शकों को इस समय में दी है। धन्यवाद संजय। तो दर्शकों, आप थे हमारे रत्नाकर मलिक संवाददाता, जिन्होंने पल पल की जानकारी आपके समक्ष अभय नगर की इस घटना को लेकर दी है। और भी शहर की तरोताजा खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल इनबीसीएन न्यूज नागपुर। नमस्कार।